बॉलीवुड की देसी गर्ल ने दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजा रखा है। वो अब भारत की ही नहीं विदेश में भी सफलता का स्वाद चख चुकी हैं। ग्लोबल आइकन बन चुकी प्रियंका चोपड़ा किसी न किसी वजह से आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। कभी अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी अपनी निजी जिंदगी के कारण चर्चाओं में रहने वाली देसी गर्ल पिछले कई सालों से अपने पति निक जोनस और बेटी मालती और परिवार वालों के साथ विदेश में रह रही हैं, जिसके चलते उनके भारतीय फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते हैं। जो फैंस हमारी प्यारी देसी गर्ल को भारतीय धरती पर कदम रखते देखना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारत वापसी कर रही है। बता दें कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर करीब 3 साल बाद अपने भारत लौटने की जानकारी साझा की है। इस बार वो अपने देश अकेली नहीं बल्कि अपनी लाडली बेटी मालती यानी मैरी चोपड़ा जोनस के साथ आ रही हैं। प्रियंका ये जानकारी साझा करते हुए काफी भावुक भी नजर आई हैं। वहीं अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने यूएसए मुंबई फ्लाइट की बोर्डिंग पास की एक तस्वीर भी पोस्ट की है और इसके साथ एक कैप्शन भी लिखा है। वैसे तो सही ही कहते हैं लोग कि लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद अपने देश लौटने का एहसास से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यही खुशी प्रियंका चोपड़ा के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। दरअसल इस समय प्रियंका चोपड़ा बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं और इसकी वजह उनका लगभग 3 साल बाद भारत लौटना है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर बोर्डिंग पास की तस्वीर साझा करते हुए अभिनेत्री ने लिखा, आखिरकार घर जा रही हूँ। करीब 3 साल बाद इस ट्रिप पर उनके साथ उनकी प्यारी सी नन्ही राजकुमारी मालती मैरी चोपड़ा भी होंगी। बता दें कि मालती की पहली भारत यात्रा होगी ये। बताते चले कि प्रियंका कई सालों से अमेरिका में रह रही हैं। वो देश में पढ़ने के लिए 12 साल की उम्र में अमेरिका चली गई थी, लेकिन सालों बाद वो भारत लौटी और बॉलीवुड में अपना करियर बनाया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन करियर के बाद प्रियंका ने साल 2015 में क्वांटिको से बॉलीवुड में कदम रखा था। इतना ही नहीं, साल 2018 में उन्होंने अमेरिकी सिंगर और म्यूजिशियन निक जोनस से शादी रचा ली थी, जिसके बाद वो पूरी तरह से अमेरिका शिफ्ट हो गई थी।